पिछड़ा वर्ग ओबीसी महासभा ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नरवर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करने एवं अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए शुक्रवार को ओबीसी महासभा नरवर ने माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा नरवर के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मध्य प्रदेश राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग की लगभग 50% आबादी निवासरत है। प्रदेश के मुखिया भी ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हैं, फिर भी ओबीसी वर्ग के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि अब तक ओबीसी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। ओबीसी महासभा के द्वारा दिए गए ज्ञापन में मांगों को रखा गया कि ओबीसी वर्ग को 51% आरक्षण पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में दिया जाए। ओबीसी आरक्षण अधिनियम को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए। मध्य प्रदेश विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर ओबीसी वर्ग को अनुच्छेद 340 के तहत घोषित आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़े जाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए और मध्य प्रदेश शासन एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा पृथक से मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक रूप से जातिवार जनसंख्या के आंकड़ों को एकत्रित कर आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा के द्वारा के साथ की गई अभद्रता की जांच की जाए। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कालूराम कुशवाहा, लक्ष्मण भोजपुरिया, हीरा कुशवाहा, कृष्णा रावत के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे।